हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं वी कुमार, आज आपको एक बहुत ही अच्छा लाइव मार्केट में ये ट्रेड दे रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड होने वाला है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोल देना चाहूँगा कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो अगर आपका लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो आपका अपना होगा। इसलिए अपना एनालिसिस भी एक बार ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको स्टॉक बता रहा हूँ, बट पैसा तो एंड ऑफ द डे आपको अपना ही लगाना है। और लॉस अगर होता है तो आपका ही होगा, प्रॉफिट अगर होता है तो आपका ही होगा, आप मुझे नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने एनालिसिस एक बार थोड़ी बहुत ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आपकी सेफ्टी के लिए मैं दो कंडीशन भी आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता है, ठीक है। तो लॉस होने के चांसेस कम, बहुत कम हो जाएंगे, बट आपको अपना एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है 38,089 चल रहा है, और निफ्टी का प्राइस 17,462 चल रहा है, ठीक है। तो इसी रेंज में अभी लगभग 15-20 मिनट से ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे जो फील हो रहा है, अगर आज मार्केट की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर 38,200 के आसपास होती है, या फिर 38,100-150 के आसपास भी क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी एंड ऑफ द डे, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा जैसा आप देख रहे हैं गिर रहा है मार्केट, बट अगर एंड ऑफ द डे ये क्लोजिंग देता है उस लेवल पे, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको 38,700 तक का टारगेट बहुत, और हो नहीं सकता है अगर ये क्लोजिंग देता है इस लेवल पे और कल मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग होती है, ठीक है, और 38,200-38,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी, तो ये इजीली 38,700 के लेवल को टच करेगा एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाए, 38,150 वैसे भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और एक जोन भी है, ठीक है। तो इसी जोन में ये ट्रेड भी कर रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे डेली चार्ट पे देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 दिन से इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो हो सकता है कि इस जोन में ही ये आज क्लोजिंग दे, बट अगर आपको 38,150 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है आज के दिन, तो आप एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर आप अभी भी उस स्विंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आप अभी एंट्री बनाते हैं तो आपका जो रिस्क होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। और बहुत कम का मतलब क्या है कि बहुत कम तो नहीं, 16-17 हज़ार रुपये मायने रखता है, बट आज का जो डे लो है इसके फ्यूचर्स में आपको एंट्री बनानी है, जिसमें आपका जो कैपिटल लगने वाला है वो अराउंड 2-2.5 लाख रुपये के आसपास कैपिटल लगने वाला है इसमें आपको। और इसका जो आज का लो है वो है 1,033, आई थिंक यही है लो, 1,033.70। तो ये आज का लो है, इस लो का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है एंड करेंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। जो टारगेट रहेगा वो 1,129 का टारगेट आपका रहेगा, इसके लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क जो आपका रहेगा यहाँ पे वो 16-16.5 हज़ार रुपये का रिस्क रहेगा, बट वहीं पे प्रॉफिट के जो चांसेस है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:5 का, यानी आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है 70-75,000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट इस ट्रेड में हो सकता है। बट कंडीशन एक ही है, अगर अभी आप एंट्री बनाते हैं इंडसइंड बैंक में तो आपका स्टॉप लॉस 1,033 रहेगा, और अगर आप बैंक निफ्टी का जो लेवल का वेट करते हैं 38,150 के ऊपर की क्लोजिंग की वेट करते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, बट वो थोड़ा सा सेफ हो जाएगा आपके लिए। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। प्लस एक और कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए, तो निफ्टी 17,490 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 500 के आसपास, तो निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा। और वैसे भी रिलायंस अभी बुलिशनेस दिखा रहा है, और रिलायंस बुलिशनेस दिखाने का मतलब है कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्विंग ट्रेड मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसमें ट्रेड लेते हैं, बट हाँ, आप अपना रिस्क कैपेसिटी देख लीजिएगा कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है। और इसमें जो आपको फ्यूचर्स बाय करना है वो अगस्त का ही फ्यूचर्स बाय करना है, क्योंकि अगस्त अभी स्टार्ट हुआ है, आज 8 अगस्त है, एक एक्सपायरी गई है, तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट दिख सकता है फ्यूचर में चल के। और अगस्त मंथ में ही आपको 70-75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख सकता है, बट हाँ, वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं देखना है, आपको अपना रिस्क देखना है कि 16-16.5 हज़ार रुपये का पैसा आपका डूब भी सकता है। तो उस हिसाब से अगर आप इतना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो इस ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। दो कंडीशन को अप्लाई फॉलो कीजिएगा, पहला निफ्टी 17,490 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, दूसरा बैंक निफ्टी 38,150 के ऊपर क्लोजिंग दे दे आज के डे एंड में, या फिर अगर आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं तो फिर 1,33 रुपये के स्टॉप लॉस से आप करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है 1,053 चल रहा है इंडसइंड बैंक का, ये स्पॉट मार्केट का प्राइस है, फ्यूचर्स में 1,046-1,047 का प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिवॉर्ड भी दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह से मैं आप क्या करूँगा, डेली में एक लाइव मार्केट में आपको ट्रेड प्रोवाइड करूँगा फ्यूचर्स का या ऑप्शंस का, जो भी मुझे समझ में आएगा। और HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है यहाँ से, मार्केट ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। हाँ, कुछ अनसर्टेन मोमेंट हो गया
तो अलग बात है। मारुति का मैंने ट्रेड दिया हुआ था आज सुबह ही स्विंग ट्रेड में, देख सकते काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 1% अप ऑलरेडी चल रहा है मारुति। LIC इंडिया अगर वैसे तो बाइंग एग्जीक्यूट हुआ नहीं है क्योंकि 690 पे मैंने बोला था बाई करने के लिए, तो उस लेवल पे भी पहुंचा ही नहीं, अभी यहीं पे हॉवर कर रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी एंट्री बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो अगर आप LIC में एंट्री बनाना चाहते हैं तो इस प्राइस पे भी एंट्री बना सकते हैं आप। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अभी कुछ ज़्यादा मूवमेंट कर नहीं रहा है, बट मारुति और इंडसइंड बैंक मुझे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा ये रिजल्ट दे सकता है, बशर्ते जो मैंने दो कंडीशन बताए वो दो कंडीशन फॉलो होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।